सीरीज कब आएगी, कितने बजे आने वाली है, कब आएगी, मतलब ये जो क्वेश्चन है मैं लास्ट एक महीने में इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ यार। आप लोग एक चीज क्यों नहीं समझते हैं, मेरे पास कोई मशीन नहीं है जहां मैं टॉपिक का नाम डालू, रिसर्च हो जाए, कोड निकल जाए, एक्सप्लेनेशन निकल जाए, वीडियो एडिट हो जाए, रेंडर हो जाए, 50 के 50 वीडियो ले कल आ गया। आपको समझना पड़ेगा, जब कोई क्रिएटर 50 वीडियो बनाता है उसको मिनिमम 50 से 60 दिन 50 वीडियो में बनाने में लगता है। अगर वो हर दिन भी एक वीडियो बनाए, रिसर्च, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ जब वो खुद करता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ट्री सीरीज इज फाइनली हियर। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ट्री का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए, कितना एक्सट्रीम तक हमको पढ़ना पड़ेगा प्लेसमेंट्स के लिए, एंड कहाँ कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। सो बिना वेट के वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So, tree series, right? Where do you study a data structure as important as tree? So, generally, जो Amazon हो गया, Microsoft हो गया, Samsung हो गया, ये सब companies आपको competitive programming वाली trees नहीं पूछती है। ये आपसे पूछती है binary trees, binary search trees, जो pointer वाली tree होती है ना, वो पूछती है। तो अगर हम placement की preparation कर रहे हैं, apart from like companies like Media.net हो गया, Coordination हो गया, DirectI हो गया, इनको अगर मैं साइड रख दूं तो जनरली जो मतलब 95% ऑफ कंपनीज होती है वो बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज ही पूछती है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लाइक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट तो हर दूसरे मतलब हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बाइनरी ट्री की पूछ ही लेती है, तो अगर आप इस टॉपिक को मास्टर कर लो तो आपके इंटरव्यूज में बहुत तगड़ा होल्ड हो जाएगा। सो अभी जो पहला क्वेश्चन, सो मैं कुछ फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके दिमाग में उसका आंसर करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, वेर डू यू लर्न ट्रीज फ्रॉम? सो क्या मैं इस सीरीज से पूरा सीख सकता हूँ? हाँ, मैंने सीरीज को पूरा बेसिक से बनाया। हाँ, फिर मैं ट्रैवर्सल पे गया हूँ, फिर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस किया हूँ, फिर मैं बाइनरी सर्च ट्री शुरू किया हूँ, फिर अगेन वहां बेसिक से गया हूँ, फिर क्वेश्चंस किया हूँ। पूरा मैंने इतने वीडियोस स्ट्रक्चर्ड वे में बना दिया है ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आप पूरा सीख सकते हो, लेकिन हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा। दिस इज सोनली फॉर प्लेसमेंट्स। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज? बहुत लोग सीरीज तो देख लेते हैं बट वो बेस्ट उस सीरीज से अचीव नहीं कर पाते। सो आपके मन में आ रहा होगा, क्या मैं पूरा सीरीज पहले देख लूं? क्या मैं एक प्रॉब्लम देखूं, प्रॉब्लम सॉल्व करूं? क्या मैं एक्सप्लेनेशन एंड कोड देख लूं, फिर कोड करूं? क्या मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लूं? मतलब मैं करूं कैसे, सो दैट एट द एंड जब मैं 50-60 वीडियो देख लूं तो मैं इस टॉपिक पे मास्टर बन जाऊं। तो आपको बता देता हूं क्या करना है। आप टॉपिक का नाम लो, ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है। अगर इंट्रोडक्शन थ्योरी टॉपिक है तो आप पढ़ लो, ठीक है, उसको आप जाके सॉल्व मत करो, आप पढ़ लो। आपने पढ़ लिया थ्योरी टॉपिक, अब आप नेक्स्ट लेट से कोई प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम टॉपिक पे है जिसका वीडियो है, तो प्रॉब्लम टॉपिक के पहले 2 मिनट में मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया। प्रॉब्लम को एक्सप्लेन आप देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा प्रॉब्लम का, आपने डिस्क्रिप्शन पे प्रॉब्लम का लिंक उठा लिया, राइट। अब जाके प्रॉब्लम को ट्राई करो, ब्रूट फोर्स आता है, जो आता है ट्राई करो, सबमिट करो, हुआ बढ़िया बात। अगर एक्सेप्ट हो भी गया और अगर एक्सेप्ट नहीं भी हुआ, दोनों केसेस में आप वापस मेरे वीडियो पे आओ, वीडियो को आप पूरा देखो। वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया है, वीडियो को पूरा देखो। क्यों बोल रहा हूँ पूरा देखने? हो सकता है आपका सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया है, ट्रस्ट मी, मैं लिटरली बहुत ज्यादा रिसर्च किया। हर एक सोल्यूशन मैंने जो पढ़ाया है ना वो मतलब मोस्ट ऑप्टिमल है एंड मोस्ट क्लीनेस्ट कोड है। इंटरव्यूज में ये मैटर करते हैं, क्लीन एंड शॉर्ट। या कोड आप भी लिखते हो, मैं भी लिखता हूँ, राइट, लेकिन मैं भी बहुत बार ऐसा कोड लिखता हूँ जो क्लीन नहीं होता, जो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाता है, और हम लोग दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं, भाई ये तो बहुत शॉर्ट में कर दिया बंदे ने, लॉजिक सेम है बट उसने बहुत शॉर्ट में कर दिया। तो मैंने जो सीरीज बनाया है मैंने बहुत रिसर्च किया है, भले मेरे पास अपना कोड था बट तब भी मैं रिसर्च करके जो शॉर्टेस्ट एंड क्रिस्प कोड है वो दिया एंड उसको एक्सप्लेन किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम बैक एंड यू चेक आउट द क्रिस्प एंड द क्लीनेस्ट कोड जस्ट टू गेट एन आइडिया। ओके, सो अगर ये बन गया था, अगर नहीं बना था तो वापस आओ, एक्सप्लेनेशन देख लो, फिर ट्राई टू कोड योरसेल्फ। हो गया तो बढ़िया बात है, ये तो वापस आओ कोड देख लो, C++, जावा, गिटहब में भी होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किया हूं। कोड देख लो, कोड देख के टाइप मत करना, कॉपी पेस्ट मत करना, कोड देख लिया दिमाग में रहा, जाके खुद टाइप करो, खुद टाइप करोगे बहुत सीखोगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप द कोड बाय योरसेल्फ। थोड़ा भी कहीं मतलब भटक जा रहे हो, वापस आके कोड देख लो। दिस इज व्हाट यू शुड डू इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस ट्री सीरीज, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू मेंटेन अ नोट। एक नोटपैड ट्री का हो जाना चाहिए। व्हेन यू एंड द सीरीज आफ्टर 1 मंथ यू शुड हैव अ नोटपैड, एंड प्लीज मेक श्योर यू कीप इट, यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट आफ्टर गैप ऑफ 15-20 डेज, सो दैट आपके दिमाग में हमेशा वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एंड जब प्लेसमेंट्स है आपको कभी भी ट्री को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, दिस इज माय गारंटी। सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, लेट मी थैंक रेलेबल फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एज वेल एज द एंटायर
3 series. What if I say no experience, no degree, only skills matters? If I give you a hiring platform where these things stand true, yes, Relevel, backed up by an academy, is the first hiring platform in India which has on the basis of skills. So let me tell you about 5 companies which are offering backend development jobs for freshers, and there is no requirement of experience, degree. Someone like Razorpay, where the CTC offered is up to 20 lakhs. Super Daily, the CTC is up to 20 lakhs. FleetX, the CTC is up to 15-25 lakhs. And there are roles at front-end development as well, where you have 1MG, Zoomcar, CodeNation hiring up to CTC of 30 LPA. I personally think that these are some really exciting job opportunities which usually a fresher won't be eligible for, but an academy has created this amazing hiring platform called Relevel, which helps freshers and people in their early career to work with these companies irrespective of their qualification or experience. So all you need to do is you have to register for the Relevel test, you have to give it, and after that your interviews will be scheduled and you will be hired. The entire process just takes a week, which is much faster as compared to other hiring platforms. Does it cost anything? No, it is absolutely free. So please make sure you check out all the links in the description and apply for the Relevel test as soon as possible. Is this series going to be language dependent? There is someone who says Java is best. There is someone who says C++ is best. There is someone who says Python mein karo. Yaar language. So what I've done is, I made the series in both C++ and Java. The two widely used languages. Maine dono ka aapko most cleanest and optimal code de diya. And maine padhaya bhi dono code hai. तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज फॉलो करते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज द लैंग्वेज, क्योंकि दोनों लैंग्वेज के अपने एडवांटेजेस है, एंड एट द एंड मैटर क्या करता है, लॉजिक। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर दैट इफ यू हैव द लॉजिक यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज। आई कैन कोड इन C++, जावा, पाइथन। मैं इन तीनों लैंग्वेज में प्रोफेशनली कोड कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि C++ करो या जावा करो। हाँ, कंपिटेटिव के लिए C++ करो क्योंकि वो थोड़ा फास्टर है, बट अगर इंटरव्यू दे रहे हो कोई भी लैंग्वेज करो, मैटर क्या करता है, क्लीन होना चाहिए कोड। फंक्शंस आप लिखने चाहिए, अगर रिपीटेटिव कोड नहीं होना चाहिए, रिपीटेटिव कोड है उसका फंक्शन बना के लिखो। कोड क्लीन एंड रीडेबल होना चाहिए, वेदर इट बी C++, वेदर इट बी जावा। सो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू फॉलो दिस सीरीज इन ऑर्डर टू लर्न द ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई नॉट समवन एल्स? आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट फॉलो समवन एल्स। मैं कुछ पॉइंट्स दे दूंगा जिसके वजह से आप शायद मेरे ट्री सीरीज के ऊपर इंक्लाइंड हो जाओ, एंड उसके बाद नहीं भी होते तो इट्स योर विश आप कहां से पढ़ना चाहते हो। फर्स्ट पॉइंट इज, वाई शुड यू फॉलो माई ट्री सीरीज अपार्ट फ्रॉम अदर्स? नाउ अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा होगा, आप थोड़ा सा एनर्जी का वाइब फील कर सकते हो, लाइक यू विल नॉट फील डल। लाइक इफ यू हैव सीन अदर पीपल लेक्चर्स, लाइक आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, थोड़ा सा वो डलनेस मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ इंस्ट्रक्टर्स पे लगता है, आपको इधर डलनेस नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, इंट्यूशन। बहुत सारे पेड कोर्सेज में मैंने देखा है, जितने भी सेल्फ पेस्ड कोर्स वगैरह आते हैं, सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम, सारे नहीं, बहुत सारे में स्टेप्स लिख देते हैं एंड स्टेप्स को ड्राई रन कर देते हैं। No one tells the intuition. So since I am from a computer programming background, I always believe कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे पहले कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है जानने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। So I have personally made sure कि हर एक प्रॉब्लम का intuition आपको मिले। मतलब सिर्फ algorithm मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको intuition, dry run, फिर code दे रहा हूं। ये था दूसरा reason. Third reason is language. Paid platform हो गया, YouTube हो गया, जितने भी बंदे डालते हैं content, वो इधर C++ choose कर लेते हैं या फिर Java. What I've done is, मैंने C++ भी दिया आपको, जावा भी दिया, तो आप कोई भी लैंग्वेज के तरफ से आ रहे हो, आप फॉलो कर सकते हो। अब आप सोचोगे, भाई तू तो C++ करता था, तुझे जावा कैसे आता है? मैं लास्ट डेढ़ साल से हाँ, 6 महीना अमेज़न, 1 साल अपने करंट कंपनी में मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ जावा, प्योर जावा में, तो मुझे जावा अच्छा खासा आता है, इसलिए मैं आजकल जावा पे अच्छे ट्यूटोरियल्स बना देता हूँ। नेक्स्ट चीज, स्ट्रक्चर। 50-60 वीडियो है ट्रीज पे, सब चीज कवर कर रहा है। पेड प्लेटफॉर्म आपको वीडियोस देती है, आप जाके कोई भी सेल्फ पेस्ड कोर्स देख लो, वो आपको शायद 30-40 वीडियोस देती है, मैंने आपको 60 वीडियोस दिए जो कि सब कुछ कवर कर रहा है। हाँ, सब कुछ कवर कर रहा है, एंड जहां ये स्टैंड आउट करता है पेड कोर्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना, अगर नहीं होता तो मेरे को आपको बताना। जितने भी पेड कोर्सेज होते हैं, इनके जो कोड होते हैं ना, चलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एफिशियंट सोल्यूशन होता है, बट जनरली जब एक पेड कोर्स एक इंस्ट्रक्टर बनाता है, वो क्या करता है, इधर वो GFG से सोल्यूशन उठा लेता है, दैट इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, थोड़ा सा इधर उधर वेरिएबल नेमिंग चेंज कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि मैंने कोड सबमिट किया, मुझे लगा ये चल गया एंड मोस्ट एफिशिएंट है, तो मैं उसी को पढ़ा देता हूँ, गलत नहीं है, फिर बोल रहा हूँ गलत नहीं है, अभी मैं लाइव कोड कर दिया, गलत नहीं है, बट मैं 10 लाइन का कोड लिखा हूँ, हाँ बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कोड को किसी और बंदे ने 6 लाइन में लिखा है, तो भले कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो बट वो थोड़ा बेटर इंप्रेशन देती है, तो मैंने इस चीज पे फोकस किया। मैंने अपने कोड्स नहीं पढ़ा है, मैं रिसर्च करता हूँ लीड कोड के जो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, बेस्ट वोटेड होते हैं, जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने उस चीज को पढ़ाया, सो दैट आपको एक क्लीन, क्रिस्प एंड शॉर्ट कोड मिले। एंड थर्ड चीज, वीडियो की लेंथ बहुत शॉर्ट है, सो दैट आप
बहुत जल्दी इसको कवर अप कर लो, लाइक विद इन 10-12 डेज आप पूरी सीरीज विद सॉल्विंग कवर अप कर सकते हो. सो दीज आर दी पॉइंट्स ड्यू टू विच यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माय ट्री सीरीज ऑन दी चैनल टेक यू फॉरवर्ड. एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी वीडियो को देखे कमेंट सेक्शन पे डाल देना. ग्राफ सीरीज में आपने देखा ही होगा मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ पहले 1-2 महीने में, क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में फ्रेश रहता है. तो पहले 45 दिन में अगर आप कमेंट्स डाल रहे हो, आई विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट इज रिप्लाई. लाइक कोई भी डाउट हो आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दैट कमेंट. सो यही था बस व्हाट आई एक्सपेक्ट इस वीडियो में. आप अराउंड 10,000 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ, 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो. डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सीरीज अराउंड 60-70 वीडियो, हाँ 60-70 वीडियो का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सीरीज दिवाली पे मैं लेके आऊंगा. अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स इन द नेक्स्ट 10 डेज हो गया, एंड दिस इज अ प्रॉमिस दैट आई एम गिविंग. आई गेव यू अ प्रॉमिस फॉर अ ग्राफ सीरीज, आई कंप्लीटेड इट. आई गेव यू अ प्रॉमिस फॉर ट्री सीरीज, आई एम कंप्लीटिंग इट. आई एम प्रॉमिसिंग यू फॉर द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज, एंड दिस द डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज विल बी द बिगेस्ट. हाँ ये तहलका मचा देगा मैं बता रहा हूँ. बस आप मेरा सपोर्ट करो. 10,000 लाइक्स इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर. क्यों एम कर रहा हूँ, थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी चैनल की, सबको पता चलेगा, एंड you know the creator stays motivated by these kind of things. So isi ke sath video ko wrap up karte hain. Jaane se pehle video ko like kar dena, target 10,000 rakh raha hu. Comment kar dena what are your thoughts on the upcoming dynamic programming series and the tree series. Channel pe naye ho to subscribe kar do, kyunki bahut sara mazedar content is channel pe aane wala hai. And agar dusre channel ko check out nahi kiya to kya karo, placement kaise lagegi. Dusre channel ko jaake check out karo, subscribe kar lena. So isi ke sath video ko wrap up karte hain. Bye bye, take care. Whenever your heart is broken.